दोस्तों अपेंस में दो तरह के अपेंस होता है। पहला होता है कॉग्निजेबल अपेंस यानी संज्ञेय अपराध, दूसरे होता है नॉन कॉग्निजेबल अपेंस यानी असंज्ञेय अपराध। किस अफेंस को हम कॉग्निजेबल अपेंस बोलते हैं, किस अफेंस को हम नॉन कॉग्निजेबल अपेंस बोलते हैं, और उसी के साथ साथ कॉग्निजेबल अपेंस और नॉन कॉग्निजेबल अपेंस में पुलिस कैसे आपको अरेस्ट कर सकती है, कैसे अरेस्ट नहीं कर सकती है, इस सारे विषय हम आगे वीडियो में सेक्शन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सुनील नंदी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल अपेंस और नॉन कॉग्निजेबल अपेंस यानी संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध। पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कॉग्निजेबल अपेंस। एक्चुअली कॉग्निजेबल अपेंस किस किस अफेंस को कहते हैं वो पहले हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, किडनैपिंग, थेफ्ट। अगर सिंपल भाषा में समझ लिया तो एक खतरनाक अफेंस को हम कॉग्निजेबल अपेंस बोलते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति को हत्या किया है, किसी एक महिला का रेप किया है, किसी एक महिला का हस्बैंड पैसे के लिए मांग करके अगर नहीं दिया तो उसको मारा है, उसको हम डाउरी डेथ कहते हैं। किडनैपिंग या किसी एक आदमी का किडनैपिंग करना वो भी एक कॉग्निजेबल अपेंस होती है। उसी के साथ साथ थेफ्ट, मान लो किसी एक व्यक्ति ने चोरी किया है उसको भी हम कॉग्निजेबल अपेंस बोलते हैं। इस सारे अपेंस को हम कॉग्निजेबल अपेंस बोलते हैं। इसी के साथ साथ एक कॉग्निजेबल अपेंस में पुलिस ऑफिसर एक अपराधी को कैसे अरेस्ट कर सकता है सेक्शन के साथ साथ देखेंगे। सेक्शन 2C ऑफ CRPC में एक्सप्लेन किया है पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट यानी ऐसा प्रकरण में अपराधी को एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है वारंट क्या होता है। वारंट को एक मैजिस्ट्रेट इश्यू कर सकता है। ऐसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर अपराधी को अरेस्ट करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट एक वारंट इश्यू कर सकता है। दोस्तों मान लो कोई एक व्यक्ति अपराध किया है तो अपराध कॉग्निजेबल है तो नहीं वारंट का जरूरत नहीं होते, पर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें वारंट का जरूरत होता है। दोस्तों अरेस्ट करने के पहले कोर्ट से एक परमिशन लेना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर व्यक्ति का उस पर्टिकुलर अपराधी का नाम पे एक वारंट इश्यू करता है। उस व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करो ऐसे वारंट इश्यू करता है, उसी को हम वारंट कहते हैं दोस्तों। पर कॉग्निजेबल अपेंस में वारंट का जरूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है, ये तो खतरनाक अपराध रहता है। मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, थेफ्ट जैसे क्राइम में क्रिमिनल भागने का चांसेस ज्यादा रहता है और एविडेंस को खत्म करने का चांसेस ज्यादा रहता है। ऐसा सिचुएशन पे अगर आप वारंट इश्यू करते बैठा जाए तो टाइम बहुत जाता है। इस बीच में कहीं अपराधी भाग ना जाए या एविडेंस को खत्म कर दिया जाए तो कैसे, ऐसा सोच के कॉग्निजेबल अपेंस में वारंट का जरूरत नहीं होती दोस्तों। बिना वारंट के एक पुलिस ऑफिसर अपराधी को अरेस्ट कर सकता है। यही नॉन कॉग्निजेबल अपेंस असंज्ञेय अपराध, ये अपराध इतना खतरनाक नहीं होते दोस्तों। नॉन कॉग्निजेबल अपेंस क्या क्या होता है आगे देखेंगे। फॉर्जरी, चीटिंग, डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस, हर्ट एंड मिसचीफ, ऐसे क्राइम होता है दोस्तों। ये क्राइम इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होते दोस्तों, इसलिए नॉन कॉग्निजेबल अपेंस बोलता है सभी क्राइम को। सेक्शन 2 क्लॉज L ऑफ CRPC में एक्सप्लेन किया है एक पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल अपेंस में अपराधी को कैसे अरेस्ट कर सकता है। ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट यानी एक कॉग्निजेबल अपेंस में बिना वारंट लिए एक पुलिस ऑफिसर अपराधी को अरेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे वारंट का जरूरत होता है दोस्तों। नॉन कॉग्निजेबल अपेंस में असंज्ञेय अपराध में एक अपराधी को अरेस्ट करने के पहले कोर्ट से परमिशन लेटर यानी वारंट लेना पड़ता है, अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है। वो वारंट लेके ही एक अपराधी को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल अपेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को अधिकार ही नहीं होता है ऐसे। फाइनल दोस्तों आप समझ गए होंगे अपेंस में दो तरह के अपेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल अपेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल अपेंस। और कॉग्निजेबल अपेंस हम किस किस अपराध को कॉग्निजेबल अपेंस कहते हैं और किस किस अपराध को हम नॉन कॉग्निजेबल अपेंस कहते हैं, उसी के साथ साथ वो एक पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल अपेंस में कैसे अरेस्ट कर सकता है अपराधी को और नॉन कॉग्निजेबल अपेंस में एक पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर सकता है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, उसी के साथ साथ आपका फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, क्योंकि लॉ की नॉलेज हर एक आदमी को जरूरत होता है दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे ही डालते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।